हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छी बात है, आप सब घर पे हो, अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना, ठीक है? तो चलो, पिछले टॉपिक में हमने, पिछले वीडियो में हमने टॉपिक्स रिवाइज किए थे अपने, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है? तो आज हम अपना टॉपिक करेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। ये थोड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है बेटा, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है समझ में, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से, मैं भी आपको कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे से करवाऊँ, ठीक है? लेकिन ये टॉपिक आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है? आप मैं अपना वीडियो देख लोगे, ठीक है, मैं आ गया, लेकिन जब तक आप खुद से इस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये आपको नहीं आएगा। तो मैं पहले ही कह रही हूँ, आप इसको ना अच्छे से लिख के, इसको रिवाइज कर करके अपना प्रैक्टिस करना है, इसकी तब ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके? चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ नंबर नियरेस्ट 10। नियरेस्ट का मतलब पास, आसपास, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन पे इस टॉपिक को समझा देती हूं, ठीक है? जैसे एक ये नंबर, नंबर लाइन, ठीक है? यानी कि ये लाइन लगाई मैंने, अब मैं आपको यहां 10 तक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है? नंबर मैंने लिखे यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? अब इनमें मिडल नंबर कौन सा हो गया, बीच का 5 है ना हमारे पास, ठीक है? तो हम ये नंबर लेंगे, इनकी स्लैब बनेगी ये नंबर और एक ये, ओके? आप इसमें इनके साथ जीरो भी काउंट कर सकते हो, पर जीरो ऑलरेडी जीरो है तो टेंथ पे ही हो गया, ठीक है? तो उसको उसकी जरूरत नहीं होती है। तो हम नंबर लेंगे, यानी कि हमारे पास अगर नंबर 1 2 3 4 तक है, ठीक है, वो हम किसी भी नंबर का वंस प्लेस देखेंगे। अगर वंस प्लेस पर, ठीक है, क्या फिर से कह बेटा, वंस प्लेस पर कोई भी नंबर होगा, टू डिजिट का नंबर, ठीक है, टू डिजिट के नंबर में अगर वंस प्लेस पर 1 2 3 4 होगा तो वो नंबर सेम, वंस प्लेस जीरो हो जाएगा और टेंथ प्लेस सेम रहेगा। आप देखो कैसे समझ में, मैं आपको एक नंबर लिखती हूँ यहाँ पे 24, ठीक है? मैंने एक नंबर लिखा आपके लिए 24, तो ये देखिए वंस प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 4, वंस प्लेस पर क्या है 4 है, ओके? सो अगर वंस प्लेस पर 1 2 3 4 चारों नंबर में से कोई सा कोई भी नंबर हो तो हमारे पास यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर हो जाएगा 0, ठीक है? और जो 10th प्लेस पर है वो नंबर रहेगा सेम, वो नंबर क्या रहेगा सेम। तो 24 का नियरेस्ट 10 क्या है, 20। आया समझ में? देखो कि हमने किसको देखना है, वंस प्लेस को, हम 10th प्लेस को नहीं देखेंगे, कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, हम इसको देखेंगे ही नहीं। हमें सिर्फ कौन सा नंबर चाहिए, हमें चाहिए वंस प्लेस। कौन सा प्लेस चाहिए, वंस प्लेस, ओके? वंस प्लेस पर अगर 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 इन 4 नंबर्स में से कोई भी नंबर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वंस प्लेस 0 हो जाएगा और टेंथ प्लेस जो है, 1 है तो 1 2 है तो 2 3 है तो 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है वही रहेगा, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ एक और नंबर ले लीजिए, तो इसका नियरेस्ट 10 क्या हो गया आपका, 20। एक और नंबर ले लीजिए, मैं आपके लिए लिख देती हूँ 63। क्या नंबर है ये हमारे पास, 63। तो अब देखिए 3 क्या है, 3 हमारी पहले वाले नंबर, पहले वाले स्लैब में ना, इस नंबर में है ना, तो यानी कि जब 3 इसमें आ गया तो वंस प्लेस पर हमने देखा, वंस प्लेस पर हमारा क्या है 3, तो ये प्लेस क्या हो जाएगा 0, ठीक है? अब 3 है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
दिया हमने 18, ओके। अब 18 में यहाँ क्या है, वंस प्लेस पर क्या है, वंस प्लेस पर एट, एट तो इस वाली स्लैब में है, ठीक है, एट है ना। तो अब क्या करेंगे, वंस प्लेस तो इसमें भी जीरो ही होगा, ठीक है, वंस प्लेस तो क्या हो जाएगा जीरो। टेंथ प्लेस में हम क्या कर देंगे, वन ऐड कर देंगे, टेंथ प्लेस में क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे, तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू। तो यानी कि 18 का जो नियरेस्ट टेंथ है वो क्या है, 20, 18 का नियरेस्ट टेंथ क्या है, 20, ठीक है। चलिए अब और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, आप वो एग्जांपल मेरे पास यहाँ होगा 76 नंबर लिख दिया मैंने आपके लिए, 76, ठीक है, क्या नंबर लिखा है यहाँ, 76। अब इसमें वंस प्लेस कौन सा है, ये वंस प्लेस पर क्या है, यहाँ पर बोलिए, चलो मेरे साथ बोलेंगे सभी, क्या है वंस प्लेस पर, 6, क्या है, 6 है, तो वंस प्लेस तो क्या होना है, वो तो जीरो ही होगा, क्या होगा, जीरो। और टेंथ प्लेस पर हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, टेंथ प्लेस में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8। तो 76 का नियरेस्ट टेंथ क्या हुआ, 8, क्या हो गया, 8। आया समझ में, ठीक है, क्या है कि अगर हमें टेंथ प्लेस पर कुछ बाद में सोचेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, वंस प्लेस को देखेंगे, ठीक है। वंस प्लेस पर अगर 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, तो टेंथ प्लेस सेम रहेगा। अगर वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 है, तो जो टेंथ प्लेस है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। आया यहां तक समझ में, चलो मैं और एग्जांपल्स देके आपको समझाती हूँ, ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं मिक्स लिख रही हूँ आपके लिए नंबर्स, और आपको मेरे साथ साथ चल के बताना है कि किसमें क्या होगा, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है, आप खुद बोलना कि क्या आएगा उसका आंसर, ओके। तो यहाँ नंबर लिख रही हूँ मैं, फर्स्ट है हमारा 13, 45, then हम लेते हैं 62 and 94, और एक नंबर मैं और लिख देती हूँ आपके लिए, एक नंबर यहाँ पर 97 या 99 तक, 99, ठीक है, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपको, आप देखो ये 5 नंबर हमने लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबके वंस प्लेस से यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, 99 से शुरू करेंगे, ओके। तो इसका वंस प्लेस बताइए मुझे कौन सा है, इधर वाला 9 है, इधर वाला 9 है, कौन सा 9 है वंस प्लेस पर, ये वाला, ये क्या है हमारा वंस प्लेस, ठीक है, हो गया वंस प्लेस। अब वंस प्लेस पर आप देखो क्या है, क्या है वंस प्लेस पर, 9 है, तो इस वाली में क्या हो जाता है, 1 प्लस होता है किसमें, टेंथ प्लेस। अब यहाँ 9 है तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, 9 प्लस 1 10, तो यानी कि 99 का नियरेस्ट 10 क्या आया, 100, ठीक है, 99 का नियरेस्ट 10 क्या है, 100, ओके, 100। अब नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, यहाँ क्या है 13, क्या है 13, इसके वंस प्लेस को देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये तो क्या होगा 0, और यहाँ पर अगर 3 है तो ये नंबर क्या रहेगा, सेम, क्या रहेगा, सेम, ठीक है, तो 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, क्लियर। तो 13 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 10। अब इस नंबर पर चलते हैं, यहाँ क्या है 5 है, तो एक नंबर तो वंस प्लेस तो क्या होना है, 0। अब यहाँ 5 है तो 5 इधर है, ठीक है, 5 है तो क्या होता है, प्लस 1, तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस 1 करेंगे तो
का 6 8, तो ये क्या हो गया 62 का nearest return क्या हो गया 60, ओके ना। लास्ट नंबर हमारा यहाँ पर क्या है 4 है, तो वंस प्लेस क्या हो जाएगा 0, वंस प्लेस क्या हो गया बेटा 0 है, तो ये तो 0 हो गया, और 4 वंस प्लेस पर क्या है 4, तो 10th प्लेस हमारा क्या रहेगा सेम, कैसा रहेगा सेम, तो यहाँ 9 है तो 9 का 9 ही रहेगा, तो 94 का नियरेस्ट रिटर्न क्या हुआ 9, ठीक है। सो टॉपिक आपका मैंने तो क्लियर करवा दिया अपनी तरफ से, फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। लेकिन बेटा इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपका क्लियर नहीं होगा, ओके, थैंक यू।